What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 23rd December 2019 मंडे है, सुबह के 8:12 हो रहे हैं। नया वीक शुरू हो रहा है, पहला ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। आज झारखंड स्टेट के इलेक्शन है और कल एक बड़ी अनाउंसमेंट आई थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने कहा कि जल्दी यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड डील साइन हो सकती है, तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 20 दिसंबर आफ्टर मार्केट आवर्स के बाद ये पिक्चर लिया हुआ है फ्राइडे का। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,267 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,239 के पास। तो ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स जैसे ही ओपन हुआ, हमारा एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल के पास ये ओपन हुआ और इसने फिर हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट था 12,288 ये यहाँ पर अचीव कर लिया। और इसी रेंज के बीच में, ब्रेकआउट लेवल और फर्स्ट टारगेट के बीच में, ये कंटिन्यूस पूरे दिन भर ये ट्रेड हो रहा था। काफी फ्लैट पैटर्न था एक, तो यहाँ पर ये ऑलमोस्ट हमारा ब्रेकआउट लेवल के पास ही ये क्लोज हुआ। तो दोजी पैटर्न बनाया था फ्राइडे को इसने, और ये जो एनालिसिस था इसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हैं तो 15 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 11,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था फ्राइडे के एनालिसिस। चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। फ्राइडे यूएस मार्केट तेजी में बंद हुए, नासडैक 37 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए। एशियाई मार्केट जब आज खुले तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निक्केई जापानीज इंडेक्स, हांगकांग मार्केट यानी हैंगसेंग, ये भी हरे निशान में इस वक्त ट्रेड कर रहा है। चाइना मार्केट में हल्की सी कमजोरी दिखाई दे रही है, और डाउ फ्यूचर की बात करें अभी तो हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल मिले जुले संकेत आ रहे। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह है निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। अभी यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्विंग हाई लो मिला है, उसको पकड़ के हमने फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया है ताकि हम आने वाले लेवल्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सके, क्योंकि अभी निफ्टी इंडेक्स जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, यानी इस लेवल के पास निफ्टी इंडेक्स कभी भी क्लोज नहीं हुआ था वीकली चार्ट में। तो यहाँ पर अभी इसने 23.6 का एक्यूरेट लेवल यहाँ पर 12,084 ये अचीव करने के बाद ऊपर की तरफ ये ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 50% का होगा जो कि अराउंड 12,366 के पास है। ये एज पर वीकली चार्ट हम बात कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश बना हुआ है। 50, 20 और 100 ये जो हम मूविंग एवरेज ऐसा ट्रेंड लाइन यूज करते हैं, इन तीनों के ऊपर ये निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है, यानी स्ट्रक्चर बुलिश है ऐसा हम कह सकते हैं। डेली चार्ट में देख लेते हैं। डेली चार्ट में फ्राइडे इसने एक दोजी कैंडलस्टिक बनाया था। दोजी यानी इनडिसिजिव पैटर्न, ना बुल्स जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो यहाँ पर अभी अगर आगे की तरफ बढ़ता है तो इसे फर्स्ट तो फ्राइडे के हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। अगर आर्ली चार्ट में ये सस्टेन करता है फ्राइडे के हाई के ऊपर, तो ही हम यहाँ से लॉन्ग पोजीशन, ओवरनाइट पोजीशन कंटिन्यू कर सकते हैं लॉन्ग के लिए। और अगर ये लो को ब्रेक करता है और कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ ये 12,240 को ब्रेक करता है, तो यहाँ से ये जो जबरदस्त अपसाइड ट्रेंड हमें देखने मिला है इसका प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे सकता है। इसने लास्ट टू डेज, दोजी बनने से लास्ट टू डेज इसने हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, लेकिन कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर ऐसा बियरिश कैंडलस्टिक बना नहीं है। हायर हाई हायर लोज का जो प्राइस एक्शन है अप ट्रेंड के लिए, ये कंटिन्यू यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो बुल्स का स्ट्रेंथ काफी है, लेकिन जो पैटर्न्स बन रहे हैंगिंग मैन अभी दोजी बनाए, तो ये हमें करेक्शन के संकेत दे रहे हैं, लेकिन कंफर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है। अभी ये जो फंडामेंटल इवेंट्स है इसके ऊपर भी काफी निर्भर करता है कि आने वाले ट्रेंड का डायरेक्शन कैसा होगा। फिलहाल अभी स्ट्रक्चर जो है एज पर डेली और वीकली चार्ट काफी बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है।
चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट आर का कैंडल है उसके हाई और लो के रेंज में ये ट्रेड हो रहा था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो अप ट्रेंड है इसके बाद में ये साइडवेज पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न जैसे भी है, ये इसका पोल हो सकता है, ये पोल हो सकता है, ये जो है ये पोल हो सकता है और ये जो है ये इसका फ्लैग हो सकता है। तो अभी यहाँ पर ये जो साइडवेज पैटर्न है इसका एक रेंज है अपर बैंड और लोअर बैंड का, यानी फर्स्ट आर का हाई और लो। तो हमें ये जो फर्स्ट आर का हाई है ये हमारा आज के लिए ब्रेकआउट लेवल होगा, यानी अगर ये 12,293 के ऊपर, यहाँ पर लिख देते हम, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल और ये नीचे की तरफ S1 का ये जो पिवट पॉइंट है ये लो के नीचे है, तो ये होगा हमारा ब्रेकडाउन लेवल। तो ये हमारा होगा ब्रेकडाउन लेवल, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर इसे कर देते हैं। तो ये दो लेवल्स, अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का R2 का लेवल जो कि 12,313 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो 12,251 के नीचे अगर ये सस्टेन होता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो 20 EMA का ये जो पिंक लाइन है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा जो कि 12,235 के पास अभी है। और सेकेंड टारगेट हमारा होगा ये जो यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था ओपन होने के बाद लास्ट टू डेज, 12,222 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए। तो हैप्पी ट्रेडिंग एंड बाय बाय।